राज्य में इनरलाइन परमिट आईएलपी लागू गराउनु पर्ने मांग लगातार बढेर गएपछि सिक्किम सरकारले आईएलपी को प्रायोजकता बारे अध्ययन गर्न गठन गरेको निगरानी समितिले भोलि 6 मार्च को दिन जनसुनवाई आयोजन गर्ने भएको छ। सरकारले आईएलपी माथि अध्ययन गर्न 4 फरवरी 2023 मा गठन गरेको समितिले विभिन्न सरकारवाला र हितधारकहरूबाट विचार र सुझावको माग गरेको थियो, जसमा विभिन्न समिति र व्यक्तिहरूबाट व्यापक मात्रामा सुझाव र विचार प्राप्त गरेपछि यसबारे पहिलो चरणको जनसुनवाई 6 मार्चमा आयोजन गर्ने निर्णय लिएको अध्ययन समितिका अध्यक्ष शान्तकुमार प्रधानले जानकारी दिएका छन्। गान्तोकको चिन्तन भवनमा पहिलो चरणको जनसुनवाई हुनेछ, जसमा अत्याधिक भीड जुट्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै समितिले प्रत्येक संगठनबाट केवल 5 जनालाई मात्र जनसुनवाईमा भाग लिदिने आग्रह गरेको छ। अर्कोतर्फ जनसुनवाईमा भाग लिनेहरूको सूची समितिद्वारा उपलब्ध गराइएको इमेलमा पठाउनु पनि समितिले आग्रह गरेको छ। गायनेकोमेस्टी एक कंडीशन है जिसमें जनरली यंग पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जिसमें कि चेस्ट का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो जनरली ये बहुत सारे रीजंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये जनरली होता है। तो गायनेकोमेस्टी से जो प्रॉब्लम है वो जो यंग जनरेशन अभी फेस कर रही है, अभी जो हम लोग देख रहे हैं गायनेकोमेस्टी का जो होने का जो रेट है या आप बोल सकते हैं पॉपुलेशंस है, तो आज बहुत ज़्यादा है। 10 साल पहले या 20 साल पहले इतना ज़्यादा ये कंडीशंस नहीं होते थे, लेकिन अब हम लोग सोसाइटी में देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। मीन्स बहुत सारे लोगों को ये गायनेकोमेस्टी हो रहा है, जो चेस्ट का साइज है वो बढ़ रहा है। जो यंगस्टर हैं, जो जिम जाने वाले लोग हैं, जो डेली एक्टिविटी मीन्स हार्ड वर्क जो जिम में कर रहे हैं, उनमें किसी कारण से ये ब्रेस्ट का साइज जो है, चेस्ट का साइज वो बढ़ रहा है। तो इसमें आपको जब आप बेयर चेस्ट होते हैं या जिम जाते हैं या आप स्विमिंग पूल में हैं या बीचेज पे हैं, तो इस कंडीशन में आपको जो एक्टिविटी है वो करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। रीज़न क्या है कि आपके चेस्ट का साइज बड़ा है, तो सोशली दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो ऐसे पेशेंट्स को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप गायनेकोमेस्टी की जो सर्जरी है वो आप कराएं। ये बहुत ही सिंपल है, डे केयर प्रोसीजर है और बहुत ही एडवांस तरीके से हम लोग आजकल गायनेकोमेस्टी की सर्जरी करते हैं। इसमें जो सर्जरी का जो स्टिग्मा है कि आपको कोई स्कार नहीं होगा, कुछ दिन बाद आपको कोई ये पता भी नहीं कर सकते कि आपकी ये गायनेकोमेस्टी की सर्जरी हुई है। जनरली हम लोग जो सर्जरी करते हैं उसमें चेस्ट के साइड में जस्ट 4 to 5 mm का एक स्कार होता है जो की होल हम लोग बनाते हैं, उसके थ्रू मशीन से सारी जो प्रोसेस है, जो फैट है, ग्लैंड्स है, सारी चीज़ वहीं से हम लोग निकाल लेते हैं। सामने कोई स्कार नहीं होता है, तो देयर इज नो सोशल स्टिग्मा कि आपने कोई गायनेकोमेस्टी की सर्जरी पहले कभी कराई है। और ये सर्जरी का जो प्रोसेस है ये डे केयर प्रोसेस है। मॉर्निंग में आप एडमिट होते हैं, ऑपरेट होते हैं और इवनिंग में आप घर जा सकते हैं, और घर जाने के बाद आप सेकेंड डे से आप डेली रूटीन एक्टिविटी जो अपनी होती है वो आप कर सकते हैं। विद इन 7 डेज आप हार्ड वर्क भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप जिम जाने वाले लोग हैं तो आप जिम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर 7 डेज। और कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि आपको गारमेंट्स पहनना होता है, कुछ कंप्रेशन गारमेंट होते हैं, कुछ क्लोथ्स होते हैं जो कि हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आप पहन के आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। और कुछ हफ्तों में मीन्स 1 or 2 weeks आफ्टर 2 weeks यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। आपके जो स्कार्स होते हैं, जो स्टिचेज होते हैं, स्टिचेज भी निकल जाते हैं और आप विद इन 2 weeks यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन टू डू एनी वर्क। अगर आप गायनेकोमेस्टिया से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम लोग ये प्रोसीजर आपको एडवाइस करते हैं। धन्यवाद।